दोस्तों आज है 12 अक्टूबर 2023 और दोस्तों आज क्रिकेट की सबसे 5 बड़ी न्यूज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों वह कौन सी है, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली न्यूज है विराट कोहली और नवीन उलहक की। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आईपीएल में जब आईपीएल 2023 के दौरान विराट कोहली और नवीन उलहक की फाइट हो गई थी, लेकिन दोस्तों अब सुलह हो चुका है, क्योंकि दोस्तों जब वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला जा रहा था तब पहले इनिंग में नवीन उलहक बैटिंग करने आए थे तो विराट नाम स्टेडियम में गूंज रहा था, लेकिन दोस्तों इसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान विराट कोहली ने फिर ऑडियंस को कहा कि ऐसा मत कहो और मामला ठंडा पड़ गया था। इसके बाद दोस्तों जब विराट कोहली बैटिंग करने आए और नवीन उलहक गेंदबाजी करने आए तभी भी विराट ही हो रहा था, लेकिन दोस्तों इसके बाद विराट कोहली ने शांति से बैटिंग की और दोस्तों इसके बाद जब मैच खत्म हुई तब विराट कोहली और नवीन उलहक हंसते उन्होंने हाथ भी मिलाया और एक दूसरे से हंसकर बात की। और दोस्तों इससे ये पता चलता है कि विराट कोहली कितने महान खिलाड़ी है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अब इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में जो मुकाबला खेला गया था 11 अक्टूबर को, और दोस्तों उस मुकाबले के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की बल्लेबाजी के बारे में। दोस्तों अफगानिस्तान ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, 272 रनों का भारत को टारगेट दिया था। इसके बाद दोस्तों इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो कप्तान है रोहित शर्मा, उन्होंने 131 रनों की पारी खेली वो भी, और दोस्तों 273 रनों का टारगेट टीम इंडिया ने हासिल कर लिया था 2 विकेट खोकर वो भी 35 ओवर में। तो सबसे पहला रिकॉर्ड यह है कि रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल में छक्के लगाए हैं, जिसमें कि 556 छक्के वो लगा चुके हैं। और दोस्तों उनसे पहले क्रिस गेल थे जिन्होंने 553 छक्के लगाए थे, लेकिन दोस्तों क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा ने तोड़ दिया है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं वर्ल्ड कप की। तो दोस्तों वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा शतक थे, 6 शतक थे जो कि 6 वर्ल्ड कप में लगाए थे, लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा हुआ है कि रोहित शर्मा ने मात्र 2 वर्ल्ड कप और ये 3रा वर्ल्ड कप चल रहा है, फिर भी उन्होंने 7 शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। यानी कि दोस्तों वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं वो भी रोहित शर्मा। दोस्तों वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी रोहित शर्मा बन चुके हैं। दोस्तों उन्होंने 19 पारियां ली 1000 रन पूरे करने के लिए, और दोस्तों साथ साथ डेविड वार्नर भी 19 पारियों में 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी डेविड वार्नर और रोहित शर्मा दोनों ही खिलाड़ी 1000 रन सबसे तेज बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। दोस्तों वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने में भी रोहित शर्मा 3रे नंबर पर आ चुके हैं। इनसे पहले रिकी पॉन्टिंग थे जिन्होंने 30 शतक लगाए थे, लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा ने 31 शतक लगाकर वो 3रे नंबर पर आ चुके हैं। पहले नंबर पर है 49 शतक के साथ सचिन तेंदुलकर, इसके बाद नंबर 2 पर है विराट कोहली जिन्होंने 47 शतक लगाए हैं, और इसके बाद 3रे नंबर पर 31 शतक के साथ रोहित शर्मा आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं वर्ल्ड कप में रन चेस करते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी रोहित शर्मा बन चुके हैं, जिन्होंने 3 शतक लगाकर यह हासिल किया है। इसके बाद दोस्तों ओपनिंग करते हुए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में भी रोहित शर्मा 2रे नंबर पर है जिन्होंने 29 शतक लगाए हैं। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर है जिन्होंने 45 शतक लगाकर वो भी पहले नंबर पर अभी है। इसके बाद दोस्तों T20 वर्ल्ड कप और वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली सबसे आगे है जिन्होंने 2311 रन बनाए हैं, जो कि वनडे और T20 वर्ल्ड कप दोनों को मिलाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। दोस्तों चौथी सबसे बड़ी खबर यह है कि ओपनिंग सेरेमनी। दोस्तों आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जब शुरू हुआ था तब 4 अक्टूबर को ओपनिंग सेरेमनी होने वाली थी, लेकिन दोस्तों सिक्योरिटी इश्यू की वजह से ऐसा नहीं हो पाया था, और दोस्तों अब ओपनिंग सेरेमनी हो दोस्तों इसके बाद रिपोर्ट की माने तो ओपनिंग सेरेमनी हो सकती है 14 अक्टूबर को, जिसमें कि दोस्तों बड़े बड़े सितारे भाग लेने वाले हैं। दोस्तों वह कौन से हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला नाम है अमिताभ बच्चन। दोस्तों अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, रजनीकांत और अरिजीत सिंह, दोस्तों यह सितारे हमें ओपनिंग सेरेमनी में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों पांचवी सबसे बड़ी न्यूज यह है कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में मुकाबला खेला जाने वाला है आज, यानी कि 12 अक्टूबर 2023 को, और दोस्तों यह मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब